डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू ऑफ 580 नैनोमीटर. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट. ठीक है, तो देखिए आपको गिवन वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है लैम्डा की. लैम्डा की वैल्यू दी है 580 नैनोमीटर और इसको आप बदल लोगे 580 इंटू 10^-9 मीटर में. सही है ना, मीटर में बदल लिया. अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले तो देखिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फ्रीक्वेंसी न्यू जो होता है इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा. सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है. तो इसकी वैल्यू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड आएगी और लैम्डा की वैल्यू 580 इंटू 10^-9 मीटर आएगा. मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 3/580 इंटू हो जाएगा 10^8 इंटू 10^9 हो जाएगा. सही है ना. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू जो आती है वो आती है 5.17 इंटू 10^14 सेकेंड इनवर्स. ठीक है ना, तो इसको एक बार आप देख लेना कि ये वैल्यू आ रही है 5.17 इंटू 10^14 सेकेंड इनवर्स. ठीक है ना. अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वेव नंबर की. तो देखिए वेव नंबर अगर हम सॉल्व करें तो वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू होता है 1/लैम्डा. तो ये हो जाएगा 1/580 इंटू 10^-9 मीटर, यानी ये हो जाएगा जाके 10^9/580 हो जाएगा मीटर इनवर्स. ठीक है ना, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1000 इंटू 10^6 बाई कर सकते हो 580 मीटर इनवर्स. यानी कि इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 1.72 इंटू 10^6 मीटर इनवर्स. ठीक है ना, तो आप इसको देख लेना, ये वैल्यू आएगी 1.72 इंटू 10^6 मीटर इनवर्स. इस तरह से इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं.